जहीन खान की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों लापता हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों के 20 से अधिक नाबालिग बच्चों को एक विशेष अभियान के तहत पकड़ा है। यह बच्चे परेशानियों के चलते अपने अपने घरों से भाग निकले थे, जिन्हें पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर अपने कब्जे में लिया और सभी की काउंसलिंग कर परिजनों के हवाले किया गया है। जैसे कि आपने बताया, नाबालिग जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र का कोई बालक या बालिका जब मिस होते हैं तो पुलिस गंभीरता से लेती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग एक अपराध उसमें 363 भारतीय दंड संहिता का IPCR कायम किया जाता है और ये मामले गंभीरता से लिए जाते हैं। उपरी जोन 3 जो कि मेरा जोन है, इसमें हम लोगों ने एक अभियान चलाया था पूरी टीम के साथ मिलकर, CSP और सारी TIS मिलकर, और इस अभियान में हम लोगों का प्रयास ये था कि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं, खासकर जो पहले समय से गए हुए हैं, उनको हम लोग दस्तयाब करें और उनको ला के परिवार तक सुपुर्द करें। तो इसमें कई केसेस में तो ऐसा होता है कि वो जो बच्चे होते हैं विलिंगली जाते हैं और 18 तक पूरी उम्र करके कई बार शादी भी कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार से दूर बच्चे चले जाते हैं और परिवार को नहीं मिल पाते। तो ये अभियान पूरा चलाया गया, इसमें सफलता मिली और कुल 22 बच्चों को रिकवर किया गया। इनमें 21 अपराध जो हैं, जिनका 21363 IPC के अपराध मेरे जोन के जो 6 थाने, इनमें से 21 अपराधों का निराकरण हो सका इसमें और 22 कुल बच्चे, एक में हमले में 2 बच्चे थे, कुल 22 को रेस्क्यू किया गया, उनको दस्तयाब किया गया और उसमें जिस कंडीशन में जो स्थितियां थी उनके परिवार के अभिभावकों, उसके हिसाब से उनको उनको राहत दी गई। बिल्कुल, एक केस ऐसा था जिसमें पिताजी की शराब पीने के कारण बच्ची गई थी और उसको काफी ढूंढा पुलिस ने, अल्टीमेटली वो इंदौर शहर में ही एक जगह अपना नाम मोबाइल नंबर सब बदल के छुप के रहती पाई गई, तो उनकी बच्चों की माँ की काउंसलिंग करके उसको हैंडओवर किया गया, उसके माँ के साथ उसको रखा गया। एक केस में एक नाबालिग को ले जाने का केस था और उसको पुलिस ने बड़ी टैक्टफुली, राहू पुलिस ने, राहू थाने के जो TI साहब हैं उनकी टीम ने उसको बड़े टैक्टफुली उसको शादी में एक एंटर करके पुलिस ने सिविल ड्रेस में शादी वालों के रूप में जाके और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी, आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी। इस प्रकार से कुल 22 रेस्क्यू किए गए हैं, 22 बच्चों को दस्तयाब किया गया है और आगे इसको अभियान के रूप में लगातार और जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी नाबालिग बच्चे जा रहे हैं, बालक या बालिका, उनको रेस्क्यू करके और उनके परिवार तक जल्दी पहुंचाया जाए। सर, कई बार ऐसे मामलों में आम जनता सबसे महत्वपूर्ण होता है पेरेंट्स का सपोर् ट, तो पेरेंट्स की वजह से भी कई बार जिस तरह से आप बता रहे हैं मामले हैं, तो उनके लिए भी कोई इस तरीके का जनसंवाद या किस तरह का कुछ? बिल्कुल, पुलिस लगातार क्राइम प्रिवेंशन के बारे में लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास करते हैं और मीडिया के माध्यम से भी लगातार बातें सामने आती हैं। जो बच्चे हैं नाबालिग, जो बालक और बालिकाओं को एक डील करने की एक पूरी कला, एक अभिभावक होना चाहिए, क्योंकि ले दे के अभिभावक ही उसमें सफ़र करते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। और नए दौर में कई बार ऐसे देखने में आया है कि परिवार में कहीं माहौल अच्छा नहीं होता या विघटित टाइप के जो परिवार होते हैं उनके बच्चे निकलते हैं और वो क्राइम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये मामले काफ़ी सेंसिटिव हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को प्रॉपरली डील करें, प्रॉपर डील करें और उनकी मानसिक स्थिति को समझ के तत्काल एक्शन लें। अगर उनको लगता है कोई ऐसा स्टेप उठाने वाला है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, गलत तरफ जा रहा है या कोई संगत उसकी ऐसी लड़की की बातचीत, मोबाइल उसके कॉल्स हो रहे हैं या वो रात में जाग रही है, कहीं ऐसा कुछ है, तो इमीडिएटली पुलिस को भी संपर्क कर सकते हैं वो, तो पुलिस उसमें उसी स्टेज पर उनको राहत देने का प्रयास करेंगे, उसी स्टेज में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो चीज़ खत्म कर दी जाए ताकि बच्ची ना जाए और कोई अपराध ना जनित हो या उनके पेरेंट को दिक्कत ना हो। सर, जैसा आपने बताया कि बच्चे जुर्म की तरफ भी चले जाते हैं, अभी हाल ही में एक ऐसी गैंग का आपने सफाया भी किया है जिसमें कई बच्चों को जो है उसमें सम्मिलित किया गया था और नशे की आदतों के लिए निकाला जा रहा था और कई अपराध भी किए जा रहे थे। बिल्कुल, नशे के लिए, नशे के कैरियर के रूप में और वाहन चोर के रूप में भी कई सारे मामलों में नाबालिग बच्चे इस्तेमाल होते हैं। कई बार वो थिनर विनर पीने वाले जो नशेलची लोग होते हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं और इनको परिवार से दूर करके और कोशिश करते हैं कि उनको अपने गैंग में शामिल कर लें, तो ऐसे लोगों को भी रेस्क्यू किया जाता है। लगातार हम लोग प्रयास भी करते हैं और सामाजिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अभिभावक खुद जागरूक रहें तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। उस गैंग में कितने बच्चों को जो है? उसमें करीब 8-9 बच्चों को उसमें रेस्क्यू किया गया था। कुल मिला के मेरे ख्याल से 20-21 ऐसे नाम आए थे जो नाबालिग थे, चूँकि नाबालिग बच्चों के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग उनको पब्लिसाइज ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम या उनका कोई पहचान पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आए। तो कई सारे केसेस में उनको सिंपल रेस्क्यू करके और काउंसलिंग करके उनको परिवार के हैंडओवर किया गया था और उनसे कहा गया था कि ये इस टाइप से एक्टिविटी में ना आए, अदरवाइज ये कहीं DPS के आरोपी बनेंगे, कहीं करियर खराब होगा, उनको पढ़ाई